जय हिंद दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है बेस्ट एग्जाम के यूट्यूब चैनल में। दोस्तों बात करने वाले बीएसएफ ट्रेड्समैन रिक्रूटमेंट 2023 के बारे में। काफी मेरे भाई ऐसे हैं जिन्होंने फिजिकल क्वालिफाई कर लिया है और काफी कैंडिडेट ऐसे हैं जिनका फिजिकल अभी आगे होने वाला है, लेकिन बात आती है फिजिकल पास तो कर लिया लेकिन फाइनल जो सिलेक्शन होता है, क्योंकि हाल ही में 2021 की भर्ती का फाइनल रिजल्ट आप लोगों का आ चुका है और आपने देखा होगा कट ऑफ है वो आसमां सूर्य। बहुत सारे राज्य ऐसे हैं जहां पर दोस्तों कट ऑफ है वो 80 के लगभग रही है, जिनमें कुक है, वोटर कैरियर, स्वीपर, सभी के अलग अलग। बहुत सारे राज्य आपको ऐसे भी मिल जाएंगे जहां पर 40-45 में भी बच्चों का सिलेक्शन हुआ है, लेकिन इस बार आप लोगों की कट ऑफ है वो पिछली कट ऑफ से कितनी हाई रह सकती है या कितनी कम रह सकती है। कम रहेगी तो क्यों रहेगी, हाई रहेगी तो क्यों रहेगी, और किन ट्रेडों की कम और किन ट्रेडों की ज्यादा कट ऑफ आपको देखने को मिल सकती है। इसके साथ ही आप लोगों के लिए एक अच्छी अपडेट है एग्जाम डेट को लेकर। जितने भी बच्चे फिजिकल पास कर ले हैं बिल्कुल टारगेटेड हो जाएगा रिटर्न एग्जामिनेशन की तैयारी के लिए, क्योंकि आपको ज्यादा समय नहीं मिलेगा। सीआरपीएफ की तरफ से बीएसएफ भी ऑनलाइन एग्जाम कराना शुरू कर दिया है और टेंडर जो मिला है वो टीसीएस कंपनी को मिला है, जो कि एसएससी वगैरह, रेलवे वगैरह का बड़े बड़े जो आप लोगों के एग्जाम है उनको कंडक्ट करवाती है। तो सही समय पे आप लोगों का एग्जाम हो जाएगा, क्योंकि आप सभी को पता सीआरपीएफ एससीएम का एडमिट कार्ड आ चुका है और 17-18 को ऑनलाइन एग्जाम हो रहा है, सीबीटी एग्जाम हो रहा है, तो आपका भी एग्जाम सीबीटी हो सकता है और एग्जाम के लिए ज्यादा समय नहीं मिलेगा। आप ज्यादा डिले बीएसएफ नहीं करने वाले। सबसे पहले मैं आप लोगों को बताऊं पूरी जानकारी, उससे पहले अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो एक बार लाइक जरूर कर दीजिएगा। चैनल पे अगर आप पहली बार विजिट कर रहे हैं और आप चाहते हैं कि बीएसएफ ट्रेडमैन भर्ती से जुड़ी हर अपडेट हमें सबसे पहले पहुंचती रहे, दोस्तों सबसे पहले मैं आप लोगों को बता दूं 2021 का फाइनल जो रिजल्ट आया है, फाइनल जो रिजल्ट आया उससे पहले भी आप लोगों की एक कट ऑफ जारी होती है। बहुत सारे बच्चे ऐसे थे जिन्होंने फिजिकल पास कर लिया था, ट्रेड टेस्ट पास कर लिया था, रिटर्न भी पास कर लिया था, मेडिकल भी पास हो गए थे, लेकिन फाइनल मैट लिस्ट में रह गए थे। वो किस वजह से रहे थे, क्योंकि दोस्तों उनके रिटर्न एग्जामिनेशन में अच्छे नंबर नहीं थे या एक या दो नंबर उनकी कट ऑफ है, फाइनल कट ऑफ है वो हाई चली गई। अब यहां पर जो फाइनल आपका सिलेक्शन होता है वो किसके बेसिस पे होता है, क्या ट्रेड टेस्ट के नंबर आपके ऐड होंगे या नहीं होंगे, क्या जो फाइनल आप लोगों की जो मैट लिस्ट आई उससे पहले आप लोगों की कट ऑफ जारी होती है, फिजिकल को लेकर मैं आप लोगों को काफी ज्यादा कमेंट आ रहे हैं कि सर फिजिकल पास होने के बाद में भी क्या बीएसएफ कट ऑफ जारी करेगा, क्योंकि एसएससी में ऐसा होता है जब एसएससी जीडी के थ्रू बीएसएफ सीआरपीएफ की वैकेंसी आती है तो वहां पर रिटर्न की कट ऑफ जारी होती है, फिजिकल की कट ऑफ अलग से जारी होती है, मेडिकल की कट ऑफ अलग से जारी होती है और फाइनल कट ऑफ आपको अलग से देखने को मिलती है। लेकिन बीएसएफ में जो पहली कट ऑफ आपको मिलेगी वो रिटर्न की कट ऑफ मिलेगी, और रिटर्न की कट ऑफ होगी उसमें आपके जितने भी कैंडिडेट है जो फिजिकल पास करेंगे, और 8 गुना वैकेंसी के 8 गुना कैंडिडेट ऐसे होंगे जिनको यहां पर बुलाया जाएगा ट्रेड टेस्ट के लिए। अब ट्रेड टेस्ट बहुत सारी ट्रेड ऐसे हैं जहां पर ट्रेड टेस्ट आपका नहीं होगा, जैसे कुक है, वोटर कैरियर, वेटर, अगर इन 3 ट्रेडों से अगर आपने फिजिकल पास किया है तो आपका ट्रेड टेस्ट यहां पर नहीं होने वाला, आपका डायरेक्टली यहां पर मेडिकल और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा रिटर्न एग्जामिनेशन पास करते। लेकिन इसके अलावा जितने भी आप लोगों की वैकेंसीज है उन सभी में आप लोगों का ट्रेड टेस्ट होगा, और ट्रेड टेस्ट केवल और केवल आपका क्वालिफाई नेचर पे होगा, ट्रेड टेस्ट के नंबर एड नहीं होने वाले हैं। और जब मेडिकल आप फिट हो जाएंगे, जब आपकी फाइनल मैट लिस्ट आएगी जो कि स्टेट वाइज रहेगी, उसमें दोस्तों रिटर्न में के आधार पर ही आपका फाइनल सिलेक्शन करवाया जाएगा। जिनमें जिनके रिटर्न में अच्छे नंबर होंगे उनका पहले सिलेक्शन होगा। अब यहां पर मैं आपको कट ऑफ की बात कराऊं तो इस बार दोस्तों 2021 का जो फाइनल रिजल्ट है वो आप लोगों का आ चुका है। आपने देखा भी होगा कि जो फाइनल कट ऑफ गई है वो हाईएस्ट जो कट ऑफ रही है वो 80 कट ऑफ रही है, हाईएस्ट कट ऑफ है वो 80 रही है। उसके साथ में मैं आप लोगों को बता दूं 75 से लेकर 80 के बीच में किन किन स्टेटों की रही है, तो राजस्थान सबसे हाई कट ऑफ रही है, उसके साथ ही हरियाणा, उसके साथ ही यूपी, एमपी, बिहार, इनकी कट ऑफ है वो सबसे हाई रही है, मतलब 75 से 80 के लगभग रही है। इसके अलावा बाकी के भी जो स्टेट है, जैसे नॉर्थ ईस्ट से अगर आप बिलोंग करते हैं, साउथ से बिलोंग करते हैं, गुजरात से बिलोंग करते हैं, महाराष्ट्र से बिलोंग करते हैं, तो इन राज्यों की जो कट ऑफ है वो 45 से लेकर 60 के लगभग रही है। तो इस बार की अगर कट ऑफ की बात करें पिछली कट ऑफ के अकॉर्डिंग, तो इस बार आप लोगों की कट ऑफ है वो पिछली कट ऑफ से थोड़ी हाई रह सकती है, क्योंकि दोस्तों इस बार आप लोगों की नंबर ऑफ वैकेंसी कम है और स्वीपर, बारबर, वोशरमैन, इन ट्रेडों में सबसे ज्यादा फॉर्म अप्लाई हुए। लेकिन इनके अलावा अगर मैं बात करूं, जैसा कि आपका कुक है, कुक के साथ में आपका वेटर है, वेटर के साथ में आप लोगों का वोटर कैरियर है, इन ट्रेडों में सबसे कम फॉर्म भरे गए इस बार, क्योंकि यहां पर आपका एनएसक्यूएफ लेवल फर्स्ट का सर्टिफिकेट मांगा गया था।
तो यहां पर अगर आपके पास में लेवल बेस्ट का सर्टिफिकेट आपके पास में है, फिजिकल आपने पास कर दिया है, तो आप लोगों के लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी है सिलेक्शन की, क्योंकि यहां पर सबसे कम कंपटीशन आपको देखने को मिलेगा और रिटर्न की तैयारी अगर आप अच्छे से कर लेंगे, बेहतरीन तरीके से कर लेंगे, तो आपका सिलेक्शन है वो बिल्कुल भी नहीं रुकने वाला भाई। इसके साथ ही मैं आप लोगों को बता दूं, अगर आप बीएसएफ ट्रेड्समैन की टारगेटेड तैयारी करना चाहते हैं, क्योंकि आपको पता है पिछला ही आप लोगों का जो रिजल्ट आया हाल ही में, उसमें 250+ बच्चों का सिलेक्शन हुआ था और फिर से एक नया वर्दी बैच आप लोगों के लिए आ चुका है। ये बैच भी बिल्कुल टारगेटेड है और बिल्कुल बेसिक से आपको पढ़ाया जा रहा है, जिसमें ऑल सब्जेक्ट की लाइव और रिकॉर्डेड दोनों क्लासें मिलेगी, शॉर्टली पढ़ने के लिए पीडीएफ नोट्स मिलेगा, प्रैक्टिस के लिए आप लोगों को टेस्ट सीरीज मिलेगी और सब कुछ बेस्ट फैकल्टी के साथ बेसिक से लेकर एडवांस तक आपको पढ़ाया जाएगा। और अभी इस कोर्स में चल रहा है भारी ऑफर मात्र 399 रुपए में। जब तक आपका एग्जाम होगा तब तक आप बेहतरीन तरीके से तैयारी कर सकते हैं। तो लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा या प्ले स्टोर पर जाके भी आप बेस्ट एग्जाम सर्च कर सकते हैं। कोर्स से रिलेटेड आपका कोई भी डाउट है तो इस नंबर पर आप व्हाट्सएप मैसेज या कॉल भी कर सकते हैं। अब यहां पर बात करते हैं कि रिटन एग्जामिनेशन के लिए कितना समय हमें मिलने वाला है इस बार, तो मैं क्लियर कर देता हूं, आपका रिटन एग्जामिनेशन है बहुत जल्द हो सकता है इस बार, जल्द ही बीएसएफ है, जैसे आपका फिजिकल कंप्लीट होगा बीएसएफ नोटिस जारी करके आपको इंटीमेट कर देगी एग्जाम डेट को लेकर, जैसा कि बीएसएफ ने हेड कॉन्स्टेबल वाले बच्चों को किया है और ऑनलाइन एग्जाम उनका करवा दिया, वैसे ही बीएसएफ ट्रेडमैन वालों का भी ऑनलाइन एग्जाम बीएसएफ इस बार कंडक्ट करवा सकती है, क्योंकि सभी जो पैरामिलिट्री फोर्सेज है वो धीरे धीरे जो एजेंसीज है रिक्रूटमेंट जो एग्जाम करवाने वाली ऑनलाइन एग्जाम करवाने वाली जैसे टीसीएस वगैरह, इसके अलावा भी बहुत सारी एजेंसियां हैं, उनको टेंडर दिया जा रहा है कि आप एग्जाम करवा दीजिएगा, इतने बच्चे हैं, तो यहां पर आप लोगों का बीएसएफ ट्रेडमैन का भी ऑनलाइन एग्जाम हो सकता है। दूसरी चीज मैं आप लोगों को बता दूं, एग्जाम आपका लगभग अगस्त तक होने के पूरे पूरे चांसेस है, तो आपको उसी के अकॉर्डिंग आपको रिटन एग्जामिनेशन की तैयारी करनी है, और इस बार बेहतरीन तरीके से अगर आप रिटन एग्जामिनेशन की तैयारी बीएसएफ की कर लेंगे, तो अगर आपने सीआरपीएफ सीआईएसएफ एसएसबी इनका भी अगर आपने फॉर्म लगाया है तो इन एग्जामों को भी आप आसानी से क्रैक कर सकते हैं, क्योंकि ट्रेडमैन में लगभग सभी का जो सिलेबस होता है वो लगभग सेम होता है, और पेपर के लेवल की अगर मैं बात करूं तो पेपर का लेवल होता है वो इजी से लेकर मॉडरेट तक होता है, हार्ड पेपर आपका नहीं आता। अगर आपके पेपर का लेवल बहुत अच्छा होता तो कट ऑफ आपको इतनी ज्यादा देखने को नहीं मिलती, तो पेपर का लेवल ज्यादा टफ नहीं होता है, लेकिन आपकी जो एक्यूरेसी है वो कितनी आ रही है, और वो एक्यूरेसी ही पर ही निर्भर करता है आपका रिजल्ट और आपका सिलेक्शन। पढ़ाई के साथ साथ में अपनी एक्यूरेसी और उन टॉपिकों पर ज्यादा फोकस करो जो कि आज तक ट्रेडमैन में एग्जाम में पूछे गए, क्योंकि बार बार बहुत सारे क्वेश्चन है वो उसी टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में रिपीट हो जाते हैं, और बहुत सारे बच्चे जो प्रीवियस ईयर के अकॉर्डिंग तैयारी करते हैं कि हाँ इन टॉपिकों से इतने क्वेश्चन आते हैं, इन टॉपिकों से इतने क्वेश्चन आए हर एग्जाम में, तो उन्हीं टॉपिकों पर ज्यादा फोकस कर लो ताकि वहां से आपका स्कोर है वो अच्छा बन जाए। इसके अलावा दोस्तों, आपने कौन सी ट्रेड से फिजिकल पास किया है और आप कौन से स्टेट से बिलोंग करते हैं, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आप हमें जरूर बताएं। तो दोस्तों स्टूडियो में इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में एक नई अपडेट के साथ में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।